नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। आज हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। जैसे नंबर एक, पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है? नंबर दो, अधिकतर हवाई जहाज सफेद रंग के ही क्यों होते हैं? नंबर तीन, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्यों होता है? नंबर चार, मिस खाने पर जलन क्यों होती है? नंबर पाँच, बाइक चलाते समय आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? और नंबर छः, डॉक्टर सफ़ेद रंग के कोठी क्यों पहनते हैं? नंबर एक, पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है? दोस्तों, जब भी कहीं कोई क्राइम होता है तो हमें सबसे पहले पुलिस की याद आती है, यानी खाकी वर्दी ही है जिससे क्राइम करने वाले डरते हैं और आम इंसान आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है? अगर आपने कभी ऐसा नहीं सोचा है तो हम आज आपको बताते हैं। पुलिस की वर्दी का रंग खाकी होने के पीछे केवल उसे पहचानने वाले कर्मचारियों को सहूलत प्रदान करना है। दरअसल जिस समय भारत में अंग्रेजों का राज था, उस समय पुलिस की वर्दी सफ़ेद रंग की थी और लंबी ड्यूटी के दौरान वह जल्दी गंदी हो जाती थी। इस कारण से पुलिस कर्मी भी परेशान हो जाते थे और वह गंदगी को छुपाने के लिए अपनी वर्दी को अलग अलग रंगों में रंगना शुरू कर देते थे। इससे परेशान होकर अफसरों ने खाकी रंग की डाई तैयार करवाई थी, जिसे सन 1847 में सर हैरी बर्नेट लॉम्सडेन द्वारा ऑफिशियल रूप से भारतीय पुलिस का हिस्सा बना दिया गया। और तब से लेकर अब तक पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही होता है। नंबर दो, अधिकतर हवाई जहाज सफ़ेद रंग के ही क्यों होते हैं? आपने हवाई जहाज को तो देखा ही होगा, अगर रियल में नहीं तो फिल्मों में तो ज़रूर ही देखा होगा। पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अधिकतर हवाई जहाज पर सफ़ेद रंग का पेंट ही क्यों होता है? अगर नहीं दिया तो आज हम आपको बताते हैं कि हवाई जहाज सफ़ेद रंग का ही क्यों होता है। दरअसल हवाई जहाज को सफ़ेद रंग से पेंट करने के पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग ऊर्जा का कुचालक होता है और अपने ऊपर गिरने वाली सूर्य की अधिकतर किरणों को परावर्तित रिफ्लेक्टिंग कर देता है, जिससे जहाज की बाहरी सतह अधिक गर्म नहीं होती। और सफ़ेद पेंट होने की वजह से अगर जहाज के बाहरी सतह में कोई नुकसान होता है तो वह आसानी से दिखाई देता है, और अगर जहाज कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सफ़ेद रंग होने की वजह से उसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। यही कारण है कि हवाई जहाज सफ़ेद रंग के ही होते हैं। नंबर तीन, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक ही क्यों होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 अप्रैल के बीच के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी से होती है तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से ही क्यों होती है? अगर नहीं सोचा तो आज हम आपको बताते हैं कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही क्यों होती है। दरअसल भारत में पहली बार 1867 में बजट पेश किया गया था। इस बजट को अंग्रेजों ने 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच प्रस्तुत किया था। इस बजट को अंग्रेजों ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच इसलिए प्रस्तुत नहीं किया था क्योंकि साल के अंत में क्रिसमस को त्यौहार आता है, जिससे लोग काफ़ी व्यस्त हो जाते हैं और उन्हें हिसाब किताब करने का समय नहीं मिल पाता। तब से लेकर आज तक भारत में वही प्रणाली को दोहराया जा रहा है। हालांकि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष की शुरुआत अंग्रेजों ने शुरू की थी, लेकिन भारत से अंग्रेजों के जाने के बाद भी इसे जारी रखा गया क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ फसल भी मार्च के अंत में कटती और बिकती है। बैसाखी और पोंगल जैसे फसल के पर्व भी भारत भर में इसी समय मनाते हैं। फसल बिकने के बाद ही किसान नफा नुकसान के बारे में पता लगा पाते हैं। विक्रम संवत में और भारत के विभिन्न राज्यों में नया साल अप्रैल के आसपास मनाया जाता है। इसी को देखते हुए भारत में अभी भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ही मनाया जाता है। अलग अलग देशों में वित्तीय वर्ष भी अलग अलग रूप से मनाया जाता है। नंबर चार, मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है? आपने देखा ही होगा, जब हम कभी तीखा भोजन कर लेते हैं तो हमारे मुख में जलने जैसी प्रक्रिया होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मिर्च खाने से ही क्यों जलन होती है?
अगर नहीं सोचा तो आज हम आपको बताते हैं कि मिर्च खाने से हमारे शरीर में जलन क्यों होती है। दरअसल मिर्च में कैप्साइन नामक रसायन होता है और जब हम कभी तीखा या अधिक मिर्च डाला हुआ भोजन कर लेते हैं तो यह रसायन हमारी जीभ की उपस्थिति कोशिकाओं में उपस्थित रसायन से प्रतिक्रिया करता है और हमारी जीभ में उपस्थित रसायन हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है। और अगर मिर्च अधिक होती है तो हमारा मस्तिष्क हमारी जीभ को संदेश देता है कि हम उस वस्तु का सेवन ना करें। यही कारण है कि मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन हो जाती है। नंबर 5, बाइक चलाते समय आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं। बाइक चलाते वक्त आंखों में आंसू आना एक आम बात है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं सोचा तो आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हम बाइक चलाएं या बाइक के पीछे बिना चश्मे पहने बैठे तो हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इन आंसुओं के आने के कारण यह है कि जब हम तेज़ गति से हवा हमारी आंखों से टकराती है तो हवा हमारी आंखों में उपस्थित नमी को सोख लेती है और हमारी आंखें उस नमी को बरकरार रखने के लिए अधिक से अधिक आंसू बाहर निकालती हैं, क्योंकि आँख के जिस भाग से आंसू बाहर निकलता है वह भाग इतने अधिक आंसुओं को बाहर नहीं निकाल पाता और आंसू हमारी आंखों से बाहर आने लगता है। यही कारण है कि बाइक चलाते समय आंखों से आंसू निकलते हैं। नंबर 6, डॉक्टर सफ़ेद रंग का कोटी क्यों पहनते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी अस्पताल या डॉक्टर की दुकान पर डॉक्टर सफ़ेद रंग का कोटी पहनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर सफ़ेद रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं, कोई और कलर का कोट क्यों नहीं पहनते? अगर नहीं सोचा तो आज हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर सफ़ेद रंग का कोट ही क्यों पहनते हैं। दरअसल सफ़ेद रंग को स्वस्थता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यह रंग ईमानदारी, पवित्रता और ईश्वरीयता का प्रतिनिधि भी है और डॉक्टरी के प्रमोशन में यह सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। यही कारण है कि डॉक्टर या उससे जुड़े सारे कर्मचारी सफ़ेद कलर का कोटी पहनते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते दोस्तों।